ये है दोस्तों आपकी ऑल न्यू टोयोटा ग्लांजा वी मॉडल। आज इसकी डिटेल में इधर बात होगी। दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, जैसे आप पहले चैनल पे देखते थे कि सारे आपको जो फीचर्स वैक्स साइड्स में शॉर्ट्स में मिलते थे, लेकिन आप लोगों की रिकमेंडेशन पे अब वो सारे आपको एज अ होल पढ़ने के लिए मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसमें कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए जिस भी गाड़ी को आप लेना चाहते हो। पहले आप लोग बोलते थे कि मिस हो जाता है, पूरा आप लोग देख नहीं पाते हो और ये सब चीज़ें, तो इसलिए मैंने आपकी रिकमेंडेशन मान ली है, तो सपोर्ट ज़रूर करिएगा। इसके बाद आपको अगर बोल सकते हैं कि इस गाड़ी को बुक करना है या परचेस करना है, तो कंपनी का लिंक भी विज़िट कर लीजिएगा, नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ये भी बहुत ही फेमिलियर डिज़ाइन है, मुझे कुछ भी इतना बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ। चलते हैं पास में, इसका जो क्लोज़ व्यू है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है वाइट पे स्पेशली, बाकी आपके थॉट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ज़रूर बताना। इधर आप देखते हो पूरा ये जो पियानो ब्लैक और क्रोम का कॉम्बिनेशन है, हेडलैम्प्स हैं, पूरा जो DRL है बहुत बढ़िया सा आपको फील दे देगा, बहुत ही हाई एंड सा फील आपको दे देगा। फ्रंट प्रोफाइल अगर आप देखते हो, नीचे आप देखते हैं तो इधर को आपको जो फॉग लैम्प है वो प्रोवाइड करे गए हैं ब्लैक एंड फिनिश के साथ। अब आप इधर देख रहे हैं ये प्लेटिंग लगी हुई है, तो ये एक्सेसरी का पार्ट है, इसमें आपको ये अलग से लगवाना पड़ेगा। अभी मैं एज अ होल पूरी प्राइस लिस्ट भी दिखा दूंगा आपको। ग्रिल पे देखते हैं आप तो पूरा क्रोम का वर्क इधर देखने को मिलेगा, टोयोटा का जो ब्रांडिंग है वो आपको पूरा दिया गया है क्रोम फिनिश पे, और इसका जो अंडरस्कर्ट्स हैं वो आपको मैं चेक कराऊंगा। ये देखिए इधर देखते हैं तो पूरा आपको थोड़ी सी क्रीजेस दी गई हैं, डुअल सेट ऑफ वाइपर्स, और ये रही आपकी एक्सेसरी जो पूरे प्राइस के साथ यहाँ पे मेंशनड है। आपके सिटी में प्राइस डिफरेंट हो सकता है, तो ज़रूर से ज़रूर पहले आप पता कर लीजिएगा, लेकिन लगभग यही प्राइस होना चाहिए। तो रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे पॉज कर लीजिए, पढ़ लीजिए, जैसे कि यहाँ पे साइड वाइज़र है, सीट कवर है, साइड मोल्ड क्रोम है, ये सब चीज़ें हैं बहुत सारी, तो जो आप लगवाना चाहते हो वो आप लगवा सकते हो अपनी गाड़ी में। अब दोस्तों इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है वो पूरा कवर हो गया है, इसकी की है वो मैं दिखा देता हूँ। तो इधर आपको रिमोट कीज़ प्रोवाइड करी गई हैं, ये देखिए पूरा पियानो ब्लैक और ब्लैक का कॉम्बिनेशन, लॉक अनलॉक बटन। अब बढ़ते हैं आगे और इसका जो साइड प्रोफाइल है वो आपको चेक कराएंगे। साइड प्रीव्यू पूरा आप ले लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी फीचर स्पेक्स होंगे आपको मिल जाएंगे एज अ होल पढ़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में। चलते हैं इसका जो व्हील एरिया है वो आपको दिखाते हैं। तो अपोलो के आपको टायर्स दिए गए हैं इधर, जनरली अच्छे माने जाते हैं अपोलो के टायर्स, और साइज़ है 195/55R16। ऊपर की तरफ आते हैं तो इधर अपने ORVMs आप देखोगे, इधर पूरा आपको जो इंडिकेटर इंसर्ट है वो प्रोवाइड किया गया है, और पूरा ये बॉडी कलर पे दिया गया है। इसके बाद इधर देखते हैं तो पूरा ये क्रोम इंसर्ट मिलता है आपकी डोर लाइनिंग में। हैंडल्स की बात करते हैं तो क्रोम आप देखते हो, और ये आपका हो गया कीलेस का पैच। साइड बॉडी में देखते हैं तो ये आपको जो बीडिंग लगा के दी गई है क्रोम के ऊपर, प्राइजेस मैंने आपको आगे दिखा दिए थे, अगर आपने पॉज करके पढ़ लिए हैं। पीछे की तरफ पढ़ते जाते हैं तो फ्यूल इनटेक एरिया हो गया आपका। अब इसका बैक प्रोफाइल दिखाने से पहले जो पूरा इसका कंप्लीट अदर साइड है वो मैं आपको इधर दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए इधर से पूरा व्यू आप पहले ले लो, फिर बढ़ेंगे आगे की तरफ और बैक प्रोफाइल पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं पीछे आना चाहूँगा एक कंप्लीट एनहांस्ड फील आपको देने के लिए, जैसे मैं हमेशा करता हूँ, जिसमें पूरी गाड़ी आपको अच्छे से दिख जाए। अगर पीछे के फीचर्स की बात करते हैं तो इधर आपको हाई स्टॉप लैंप, डिफॉगर, रियर वाइपर, क्रोम की पूरी आप जो प्लेटिंग देखते हो, इसी में आपका जो कैमरा है वो आपको दिया गया, रिवर्स पार्किंग कैमरा, ग्लांजा की ब्रांडिंग, टोयोटा की ब्रांडिंग, और इधर आप देखते हैं पूरी ये जो इंसर्ट है पीडिंग क्रोम पे वो भी दी गई है, ये आप लगवा सकते हो अगर आप चाहते हो। वी मॉडल है तो उसका ब्रांडिंग भी इधर प्रोवाइड करा गया है, और बाकी आपके जो पार्किंग सेंसर्स हैं वो दिए गए हैं। और इधर आपका जो टेल लैम्प है बहुत ही ये फ्लैट आउट फील के साथ आता है, ये देखिए बहुत ज़्यादा फ्लैट लगता है, और इसके साथ में अगर आप कंपेयर करते हो ना तो बहुत अच्छे से ये डिज़ाइन करा गया है। पूरा LED का यूज़ इधर भी आपको देखने को मिलेगा। अब इसका जो टेल गेट है वो ओपन कर लेते हैं, तो गाड़ी को पहले मैं अनलॉक कर लेता हूँ और इसका जो टेल गेट है वो ओपन कर लेते हैं और अंदर की स्पेसेस चेक करा देते हैं जो बहुत ज़रूरी है। अभी शायद ओपन नहीं हुआ है, फिर से ट्राई करते हैं एक बार और इसका टेल गेट ओपन कर लेते हैं। अब शायद ओपन हो गया है और अंदर की स्पेसेस दिखा देते हैं आपको। तो सबसे पहले आपकी नज़र जाएगी पार्सल ट्रे दी गई है, और इधर आपका पूरा जो बूट स्पेस है वो देखो आप, बहुत ही चंकी सा स्पेस लगता है। अंदर की जो आप डेप्थ देखो इसकी केवल आप कितनी ज़्यादा है, आधा हाथ लगभग मेरा अंदर गया है, तो अच्छा खासा लगेज आप लोग कैरी कर सकते हैं। बाकी जो लोग भी ग्लांजा चला रहे हैं ना, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा कि आपको इसका स्पेस कैसा लगता है, सफिशिएंट लगता है कि नहीं लगता है। इसको मैं बंद कर देता हूँ
और एक्सेसरीज भी मैंने दिखा दी आपको, जो ये पीछे लगी हुई हैं, आपको प्राइजेज आगे पढ़ने को मिल गए होंगे। अगर आपको ये सब लगवाना है तो ज़रूर आगे फिर से चले जाइए पीछे और पॉज करके पढ़ लीजिए। रूफ़ की बात करते हैं तो कोई इधर आपको रूफ रेल्स वगैरह नहीं दी गई हैं, पूरी प्लेन रूफ़ मिलती है एज अ होल, बस साइड्स में थोड़ी सी एक क्रीजेस प्रोवाइड करी गई हैं। एंटेना हो गया आपका। तो दोस्तों ओवरऑल तो गाड़ी बहुत बढ़िया सा फील देती है, मुझे स्पेशली इसका ये वाइट कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सारे कलर्स दिखाए थे, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। और आप भी बताना कि आपको इसमें से सबसे अच्छा सा कलर कौन सा लगता है अगर आप ग्लैंजा की बात करते हो। एक्सटीरियर पूरा लगभग कवर हो गया है, पूरा मैंने चेक करा दिया है, अभी तक अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब इसका जो इंटीरियर है, जो पूरा डैशबोर्ड है, वो आपको मैं चेक कराने वाला हूँ। इधर पूरा ये ब्लैक एंड फिनिश मिलती है, आपको ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग सकती है क्योंकि इसमें बीच में डुअल कॉम्बिनेशन हैं सिल्वर के और कुछ क्रोम एक्सेंट्स भी हैं, वो मैं अंदर चलकर दिखाऊंगा। उससे पहले डोर देख लो, तो डोर पॉकेट्स दी गई हैं आगे, पांडो कंट्रोल्स हैं, फ्रंट वाला ड्राइवर ऑटो है, विंडो लॉक है, डोर लॉक लॉक है और एडजस्टमेंट है। क्रोम पे पूरी आपकी ये जो डोर खोलने के लिए हैंडल दिया गया है। सीट एडजस्टमेंट्स के लीवर देख लेते हैं, तो बैक हाइट दोनों मिलेंगे, मैनुअली आपको करना पड़ेगा। और इधर देखते हो हेडरेस्ट, ये आपको एडजस्टेबल प्रोवाइड करे गए हैं। अब दोस्तों इधर बाहर से मेरे हिसाब से ज़रूरत की जितनी बातें हो गई है, एक बात और, इंस्टाग्राम ट्विटर और फेसबुक पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको ऑटोमोबाइल वर्ल्ड रिलेटेड बहुत सारी इन्फो मिलेगी। @ज्ञानी इनफ लिंक नीचे भी लगे हुए हैं डिस्क्रिप्शन में। चलते हैं अब गाड़ी के अंदर और अंदर बैठकर अब डिटेल में बात करते हैं इसके इंटीरियर के बारे में, तो लेट्स गो इनसाइड द कार। अब दोस्तों मैं गाड़ी के अंदर आ गया हूँ, अंदर से आपसे बात कर रहा हूँ। ये आप ग्लैंजा का वी मॉडल देख रहे हैं, अभी पूरा बाहर से मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गाड़ी को, अगर आपको एफर्ट अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कर देना अपने फैमिली फ्रेंड्स में। डैशबोर्ड का पूरा व्यू आप ले सकते हो, अभी मैंने बाहर से भी दिखा दिया था लेकिन अब कुछ थोड़ा सा हिडन रहता है तो मैं अंदर आके फ्रंट से भी पूरा आपको दिखा देता हूं। तो ये सिल्वर जो टचेस दिए गए हैं ना, ये इसको बहुत अट्रैक्टिव बनाते हैं। चलिए अब एक एक करके बात करते हैं हर पार्ट की। अपर पार्ट पे पूरा ये बहुत ही ब्रॉड सा डैशबोर्ड निकाल के दिया गया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे अगर आप आते हैं तो आप, ये मीटर है आपका जो MID है और स्पीडोमीटर है, इसी में आपका फ्यूल गेज है और आपका इधर टेम्परेचर मीटर है, नॉर्मल सिग्नलिंग है। स्पेशली जो ये MID है ना, मुझे इस क्लस्टर का ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पार्ट लगता है, स्पेशली इसके कलर्स की वजह से। बहुत अच्छे से कलर्स इधर यूज़ करे गए हैं, उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लग रहा हो। वैसे तो काफ़ी लोग ये गाड़ी चला रहे होंगे तो आप भी अपने थॉट्स बता सकते हो। टॉगल्स की बात कर लेते हैं, तो वाइपर का टॉगल है और इंडिकेटर और लाइट का है। हमेशा मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ लेकिन ये फिर भी एक कॉमन सी चीज़ है, लेकिन अब पूरी गाड़ी दिखाना बताना हम लोग की ड्यूटी है तो वो मैं इधर कर रहा हूँ। स्टेयरिंग पे आते हैं तो सिंपल आपको इधर केवल आपके जो मीडिया कंट्रोल्स हैं, जैसे म्यूट है, मोड है, वॉल्यूम है, ट्रैक वगैरह चेंज करना, और नीचे आपके कॉलिंग कंट्रोल्स प्रोवाइड करे गए हैं। टोयोटा की ब्रांडिंग आप देखते हैं क्रोम पे, और क्रोम इंसर्ट्स आपको इधर भी देखने को मिलेंगे। ये रही इसकी स्टीयरिंग, उम्मीद है कि अच्छे से दिख गई होगी आपको। स्टार्ट स्टॉप बटन की पोजीशन एक नंबर है, मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। कभी कभी कुछ कंपनियां बहुत अंदर दे देती हैं लेकिन यहाँ पे बिल्कुल आराम से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। क्रोम का बॉर्डरिंग मिलता है। इधर आप देखते हैं AC वेंट्स, पूरा ये सिल्वर फिनिश है बॉर्डरिंग में, वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। इधर देखते हैं तो पूरा हेडलैम्प एडजस्टर दिया गया है। अब दोस्तों ड्राइवर साइड पूरा कवर हो गया है मेरे हिसाब से, मैंने पूरा आपको दिखा दिया है। अब आ जाते हैं सेंटर में, इधर पूरा स्टैंड आउट यूनिट आपको मिलता है इंफोटेनमेंट सिस्टम का, जिसको आप स्मार्ट प्ले बोल सकते हो। मारुति से ही ये लिया गया, जैसे पूरी गाड़ी मारुति सुजुकी से ही ली गई है तो उसी हिसाब से पूरा सिस्टम भी है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैं पहले इसको बहुत बार आपको दिखा चुका हूँ, पूरी हार्ड टच बटन्स हैं, टच है पूरा, तो आपको चलिए मैं टच तो दिखाई देता हूँ। जैसे मान लीजिए सेटिंग्स पे गए हैं, यहाँ पे आपको आइडिया लग जाएगा टच का। ये देखिए ऑप्शंस आराम से एक्सेस हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब वापस से होम पे आ जाते हैं। जो भी दोस्तों इसके फीचर स्पेक्स होंगे सारे आपको एज अ होल नीचे पढ़ने के लिए मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, जो मैंने आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, इसमें आपको पूरा पूरा आइडिया लग जाएगा। वैसे बहुत सारे लोग ऑलरेडी, सबको पता होगा स्मार्ट प्ले सिस्टम के बारे में क्योंकि बहुत समय से आप ये मारुति की गाड़ियों में देख रहे हो, और वही आपको इधर भी देखने को मिलता है। इसके साथ AC वेंट्स देखते हैं तो बहुत ही स्लीक से दिए गए हैं, पूरा सिल्वर बॉर्डरिंग इधर मिलता है। नीचे आ जाते हैं तो इधर आपकी हज़ार लाइट की बटन है, AC कंट्रोल एरिया है जो बहुत ही अट्रैक्टिव पार्ट है सेंटर अपर बॉडी का। इधर पूरा ऑटोमेटिक AC, जी हाँ दोस्तों ऑटोमेटिक AC ज़रूर दिया गया है इधर। और ये डिस्प्ले बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, राउंडेड शेप डिस्प्ले है, ये मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है। अगर नॉर्मल डिस्प्ले जो इलॉन्गेटेड वे में दिया जाता है और ये राउंडेड दिया जाता है, अगर मुझसे कोई पूछता तो मुझे राउंडेड ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी आप अपने थॉट्स बता देना, ये एक अलग सा लुक एंड फील दे देता है गाड़ी को, सिंपल बात ये है। और नीचे आते हैं तो इधर कन्वीनियंस स्पेसेस हैं, और इधर आपकी USB रॉक्स दी गई है और 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है, तो आप USB रॉक्स से अपना जो भी प्ले करना चाहते हो अपने सिस्टम में वो आप कर सकते हो।
इसके बाद इधर मिलती हैं कन्वीनियंस स्पेसेस अच्छी सी, और गियरबॉक्स है 5 स्पीड, हैंडब्रेक दिया गया क्रोम बटन के साथ। इधर देखते हैं तो अंदर की स्पेसेस ठीक ठाक सी दी गई हैं, जो आपका आर्मरेस्ट है। और इसके बाद आ जाते हैं को ड्राइवर साइड, तो को ड्राइवर साइड आपको इधर लाइटेड ग्लव बॉक्स देखने के लिए मिलेगा, ठीक ठाक स्पेस निकाल के दी गई है। इसको मैं बंद कर देता हूँ। वैनिटी चेक करते हैं तो लिड के साथ वैनिटी मिलता है, लाइटेड, अच्छी बात है। और इधर भी दिया गया है, क्या बात है, लाइटेड वैनिटी मिरर मिलता है। और ये आपका केबल लैंप हो गया, सेपरेटली स्विचेबल केबल लैंप्स। अब दोस्तों इधर पूरा जो डैशबोर्ड है उसकी बात हो गई है, पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आपको अभी तक ये अच्छा लगा है तो ज़रूर अपने जो व्यूज़ हैं वो आप बता देना। अब चलेंगे गाड़ी के सेकंड रो ऑफ सीट में और वहाँ बैठकर देखेंगे पीछे बैठने में कैसा लगता है। तो लेट्स गो टू द बैक ऑफ द कार नाउ। ये दोस्तों आप देख रहे हैं सेकेंड रो ऑफ सीट्स। सबसे पहले हेडरेस्ट देखेंगे आप तो ये एडजस्टेबल दिए गए हैं। इधर कोई आर्मरेस्ट नहीं प्रोवाइड करा गया, लेकिन अगर दे देते तो काफ़ी बढ़िया रहता, आजकल तो ये नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। एंट्रेंस पूरी आप देख सकते हो, आराम से आप गाड़ी के अंदर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको डोर पहले दिखा देता हूँ। तो इधर आपकी बॉटल होल्डर दिया गया है, आपके पावर विंडो कंट्रोल्स दिए गए हैं, वही आपको लगभग 2 कॉम्बिनेशन इधर भी मिलती हैं। चलते हैं अब गाड़ी के अंदर, जो सबसे ज़रूरी बात है, बैठ कर दिखा देता हूँ। मेरी हाइट है 6 फीट, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सीट्स हैं, बहुत अच्छा लग रहा है अंदर आके, और बहुत ही मतलब सोफे वाली फीलिंग आ रही है। सीधी बात ये है जो मुझे टाटा की गाड़ियों में भी आती है, जब भी मैं बैठता हूँ इधर भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सीट्स है, बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर। और इधर अपनी स्पेसेस देख लो आप, तो आप जैसे उसको एडजस्ट करना चाहते हो और पीछे कर लो, मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और थाई सपोर्ट देख लो, रियर में कोई भी एसी वेंट नहीं दिए गए हैं, इधर भी देख लीजिए, और बी पिलर में भी नहीं दिए गए हैं। 12 वोल्ट का सॉकेट ज़रूर दे दिया गया है, अगर आपको अपने गैजेट्स ऑन द गो चार्ज करने जो रियर पैसेंजर्स है तो उनका ध्यान रखा गया है। हम इधर नॉर्मल सा दिया गया है, पैसेंजर जो बीच में बैठेगा उसको बहुत ही बढ़िया सा दिक्कत नहीं होना चाहिए, आराम से बैठेगा, बहुत बढ़िया से बैठेगा। बाकी सीट्स का फिर मैं तारीफ करना चाहूँगा, बहुत अच्छा सा इधर कुशन दिया गया है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है, फिर से बार बार बोलने का मन कर रहा है। सेंटर में भी केबल लैंप है, और इधर आपके जो सेफ्टी हैंडल्स हैं ये आपको प्रोवाइड किए गए हैं। अब आ जाते हैं सेंटर में, और इसका जो डैशबोर्ड है वो आपको दिखा देते हैं, वन फ्रेम व्यू दे देते हैं इसके डैशबोर्ड का। ये दोस्तों आप देख रहे थे ग्लांजा का वी मॉडल, इसके साथ में आप इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे ज़रूर फॉलो करिएगा दोस्तों, वहाँ पे आपको ऑटोमोबाइल वर्ल्ड से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हमेशा मैं आपसे बोलता हूँ, लिंक सारे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। अपना आप सपोर्ट करते हैं तो हम लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपके लिए नए से नए वीडियोज़ लाने के लिए हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, तो ये बात तो आप भी समझते होंगे। तो अब मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ, अपना प्यार अपना सपोर्ट बना के रखिए, देखते रहिए दोस्तों ज्ञानी इनफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।